Hello, Assalamualaikum students of class 7, how are you? Recently I have finished exercise 3A's question number 7. Now I am going to start at question number 8. If you have the book D2, you can open the book page 105. Let's start today's lecture properly. Okay, for your convenience, I have written this question. If you don't have the book, you can write down the question first of all. Let me start it. 5 shall be written as it is. You know, in previous question, what we used to do, हम पिछले सवाल में क्या किया करते थे कि ब्रैकेट के जो पीछे 5 होता था, इधर अगर कोई चीज़ होती थी, 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, 4 होता था, 5 होता था, जो भी इधर कोई भी डिजिट होता था वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता था. लेकिन वो डिजिट इस तरह से होता था, 5 × x + 1, इस किस्म का होता था ना, यानी कि 5 और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं था होता. लेकिन अब की बार क्या है, 5 और ब्रैकेट के दरमियान में साइन भी मौजूद नहीं है. पिछली दफ़ा हम क्या करते थे, 5 को ब्रैकेट के अंदर एंटर करके 5x और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करके 5 × 1 = 5 किया दिया. लेकिन अब की बार आप ऐसा नहीं कर सकते, 5 को अंदर एंटर नहीं करवा सकते, क्योंकि 5 और ब्रैकेट के दरमियान में प्लस मौजूद है. आपको पहले इन दोनों ब्रैकेट्स का काम तमाम करना होगा. इनके ऊपर वही, बिल्कुल वही रूल्स के मुताबिक आपने इनको सॉल्व करना होगा, जैसे अभी क्वेश्चन 7 में आपने सारे पार्ट्स को किया है. तो मैं इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए, इनको समझ लें सेपरेट सॉल्व करने के लिए, 5 उनके साथ अभी जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, 5 किसी के साथ कोई कॉरेस्पॉन्ड नहीं करेगा, इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल सेपरेट रखने के लिए मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ ऐसे, क्योंकि इनका अपना काम इस ब्रैकेट के अंदर रहकर हो रहा है, इस घर के अंदर रहकर हो रहा है. 5 अभी इस घर में दाखिल नहीं हो रहा. पहले ये दोनों इतना सिंप्लीफाई हो जाए कि फर्दर सिंप्लीफाई ना हो पाए, इतना सिंप्लीफाई हो जाए कि फर्दर सिंप्लीफाई ना हो पाए, मींस के इतना एक्सपेंड जितना भी इन्होंने होना है आपस में मल्टीप्लाई होके वो उतना हो जाए. और इन दोनों को एक्सपेंड करने का और सिंप्लीफाई करने का बिल्कुल वही मेथड है जैसे क्वेश्चन 7 के आपने सभी पार्ट्स में सीखा है. आपको मैं इधर इंकरेज करूँगा और अप्रिशिएट भी करूँगा अगर आप वीडियो को स्टॉप करके कम अज़ कम इन दोनों को ब्रैकेट्स को वैसे ही मल्टीप्लाई करते जैसे क्वेश्चन 7 में करते. फ़र्ज़ करें यहाँ पर सवाल इतना है, x + 1 x + 3 है, 5 बीच में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वो करके दिखाएं वीडियो को स्टॉप करके. कर लिया, चलें अब मैं देखता हूं कैसे कर. इस x को भी मल्टीप्लाई करना है अपने x + 3 के साथ, ठीक है, और इस +1 को भी मल्टीप्लाई करना है अपने x + 3 के साथ. इतनी बात क्लियर हुई, आपने भी ऐसे किया था, चलें जैसे भी किया था, नहीं भी था किया तो नोट डाउन कर लें. और यहां से 5 को ऐसे रखें, और जनाब अब बड़ी ब्रैकेट मेरे ख्याल से इसको ख़त्म कर देंगे. देखता हूँ इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरे ख्याल से हो जाएगी, क्योंकि जब अंदर छोटी ब्रैकेट्स ओपन हो रही हो तो बाहर से बड़ी ब्रैकेट को ही छोटी बना दिया जाता है. अंदर से जब बड़ी ख़त्म, छोटी ख़त्म हो रही है ना, ख़त्म कैसे हो रही है, जब एक्स ने अंदर एंटर होना है तो जाहिर सी बात है ये छोटी ब्रैकेट जो है वो ओपन हो जाएगी. तो बाहर फिर बड़ी का दर्जा ही ना रहा, जब छोटी नहीं तो बड़ी को बड़ी क्यों कहना, तो फिर बड़ी को ही छोटी बना देता हूँ. मेरा तो यही तरीक़ेकार है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके x² और एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके 3x. एक्स एंटर हो गया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी हो गया. अब 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है वो वही चीज़ आ जाती है, 1x से मल्टीप्लाई होके x ही आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होके 3 ही आ जाएगा. मीन्स के अंदर वाली चीज़ वैसे की वैसे भी आ गई और साइन भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि 1 के पीछे पॉजिटिव था. इधर तो 1 अंदर एंटर हो गया क्योंकि 1 और ब्रैकेट के दरमियान में कोई साइन नहीं था. अब ब्रैकेट को बेशक आप खोल लें, लेकिन अभी नहीं, पहले इनका मैंने कहा था काम तमाम पूरा कर लें, इतना सिंप्लीफाई कर लें कि फर्दर ना हो सके. सिर्फ दोनों एक्स वाली चीज़ें आपस में प्लस हो रही हैं, दोनों के साथ प्लस है तो प्लस 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 ही होता है, और बिगर वैल्यू 3 का साइन भी लगा दिए, +3 एज इट इज़ आ जाएगा. 5 अब ब्रैकेट ओपन कर लें, x² आ गया. अगर बाहर माइनस होता तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते इस दफ़ा भी, अगर इधर प्लस होता ना इधर, सॉरी इधर माइनस होता तो सारे साइन चेंज होता, मगर अब नहीं हो रहे क्योंकि प्लस है, साइन अंदर के वैसे रहे. x² तो एज इट इज़ रहेगा शुरू में, आ जाए 4x को भी शुरू में ले हैं. अब ये 5 और 3 जगह काम है, मैं डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर देता हूँ. 5 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, समझिए आप 5 के पीछे पॉजिटिव साइन जो इनविजिबल है आपने वो यूज़ किया. 5 और 3 दोनों कॉन्स्टेंट है, दोनों के साथ एक्स वगैरह है, तो दोनों मिलके हो जाएगा 8, दोनों प्लस प्लस. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें.